हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षित सो फ्रॉम टूडे वी आर स्टार्टिंग आ न्यू सीरीज ऑन एरर स्पॉटिंग या एरर डिटेक्शन सो दीज आर समस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे कंपिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश में आते ही आते हैं दे कम इन फाइव और ये वन मार्क ऐच के होते हैं सो ये होते क्या हैं दे आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे आर डिवाइडेड इन फाइव इक्वल पार्ट ई पार्ट बींग नो एरर ए बी सी डी ई एंड ई पार्ट हैज नो एरर अगर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है देन वी विल वी विल सेलेक्ट ई पार्ट सो ये एरर होते किस किस टाइप के हैं एर कैन भी रिलेटेड टू आर्टिकल्स प्रपोजिशन टेंसेज ऑफ वर्ब्स नाउंस प्रोनाउंस एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम ये सारे एक एक करके करेंगे बट फ्रॉम टूडे फॉर टूडे आई एम स्टार्टिंग विद एर इज रिलेटेड टू आर्टिकल्स सो आर्टिकल्स होते क्या हैं मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आर्टिकल्स आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स वी हैव डेफिनेट एंड इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल बींग द द वर्ड द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज ये एक स्पेशल या फिर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो फिर हम द का यूज़ करेंगे आर्टिकल द ऑल्सो रिप्रजेंट सुपरलेटिव एंड ही सुपरलेटिव का मतलब होता है सुपरॉरिटी या फिर सबसे बढ़कर ये वाली चीज़ शो करता है द एंड साथ ही साथ द इज़ यूज फॉर वन इन अ काइंड ऑफ थिंग्स ओके जैसे माउंट uh, एवरेस्ट हो गया तो उसके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं बट कॉमन नाउन्स के आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे एंड ब्लेट लेट लेट्स कम टू इंडेफिनेट आर्टिकल्स इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाएगा अ एंड एन हमें पता है हम एन कब यूज़ करते हैं वैन वी यूज़ वॉवल्स वॉवल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू एंड दूसरे जितने भी हमारे अल्फाबेट्स रह गए दे आर कॉल्ड कॉन्सनेस सो जब हम भी हम वर्ड को यूज़ करेंगे जब भी हम वर्ड को बोलेंगे एंड अगर उसकी आवाज़ उसका जो साउंड है इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी ए ई आई ओ यू देन वी विल यूज़ एन एंड अदरवाइज वी विल यूज़ अ दूसरा डिफरेंस द एंड अ तो या एन को यूज़ करने के लिए आता है अगर हम काउंट कर सकते हैं किसी चीज़ को देन वी विल यूज़ अ एंड एंड इफ इट इज नॉट काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल है जनरल है तो हम द यूज़ कर सकते हैं अगर किसी क्लास या वर्ग को हम संबोधित कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन क्लास ऑफ थिंग्स पीपल और कंट्री देन ऑल्सो वी आर वी विल यूज द द रीज़न बिहाइंड वी यूज़ द बिफोर यू एस इज बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस ओके सो दिस इज अ स्मॉल ग्राफ रिप्रजेंटिंग हमें कैसे यूज करना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग रूल वन क्या है स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जो कि हमें नोन नहीं है हमें अगर नहीं पता है हम कितने की बात कर रहे हैं हम दस की बात कर रहे हैं या फिर हम सौ की बात कर रहे हैं और हमें नहीं पता है देन वी कैन यूज़ अ और एन एंड सॉरी अगर हम काउंट कर सकते हैं उन चीज़ों को एंड उनकी आइडेंटिटी हमें पता है हम अपने फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री दैन वी विल यूज़ अ और आन अगर हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो देन वी विल यूज़ नो आर्टिकल एट ऑल ओके इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीज अगर मैं बोलूँ ऑल ट्रीज़ आर ब्यूटिफुल तो फिर मैं सारे ही पेड़ों की बात कर रही हूँ अर ट्री इज़ ब्यूटिफुल तो फिर शायद से मैं एक की बात कर सकती हूँ लेकिन वी वोट यूज़ वो फिर उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा सेंटेंस का इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज़ नोन अगर हमें उस चीज़ की आइडेंटिटी पता है अगर मुझे पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्टेन पेंट अ पेन कोई भी पेन हो सकता है दिस पेन द पेन आई बॉट या फिर द पेन यू गिफ्टेड मी अगर मैं सर्टेनली इस पेन की बात कर रही हूँ देन आई विल यूज़ द आर्टिकल द एंड वेन वी आर टॉकिंग इन जनरल अगर हम सारी जैसे मैंने अभी ट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया ऑल ट्रीज़ आर ब्यूटिफुल तो उसके आगे हमें द या अ लगाने की जरूरत नहीं है अगर हम अ अगर मैं बोलूँ अ ट्री इज़ ब्यूटिफुल तो शायद से मैं एक ट्री की बात कर रही हूँ जो मेरे आँखों के सामने है उस टाइम पे सो लेट अस स्टार्ट विद आट एक्सरसाइज तो यू कैन डू वन थिंग ओवर हेयर कि आप यहाँ पे अपनी वीडियो पॉज करें एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद मी एंड आप खुद मार्क कर सकते हैं कि कौन से वाले पार्ट में आपको एरर फील हो रहा है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है सो दैस दिस आउट आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एरर इस वाले पार्ट में ए बी सी डी एंड ई में सो इन दिस स्टेटमेंट वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू नो एरर सो द एर इज इन द पार्ट सी बिकॉज वी ऑल नो दैट E is what? E is a vowel and E के सामने हम an लगाएंगे Okay. So the next question is: It is a most beautiful painting of the gallery. So इसमें error है in the part B because a most beautiful लिख दिया गया है यहाँ पे a most beautiful लिख दिया गया है यहाँ पे जबकि यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें बताना है superiority दिखानी है उस पेंटिंग की ही ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है इस uh, गैलरी में सो फिर वी विल यूज द इंस्टेड ऑफ अ इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर नो एरर सो इस वाली स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट uh, है तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे जहाँ पे आपको एरर नहीं होगा सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप कौन सा आंसर मार्क कर रहे हो सो द नेक्स्ट इज कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ हेयर ऑफ शीप सो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कश्मीरी शॉल की कर रहे हैं स्पेसिफिकनेस आ गई स्पेसिफिक चीज गई तो इसके आगे द होना चाहिए था सो द एरर इज इन पार्ट ए द कश्मीरी शॉल्स द कश्मीरी शॉल्स द इज़ यूज बिफोर नाउन्स विच नेम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री और सिटी कलेक्टिविटी कलेक्टि कलेक्टिवी सो द थिंग इज अगर हमें किसी एक वर्क के बारे में भी बात करना होता है या फिर हमें एक क्लास के बारे में बात करना होता है जेंडर के बारे में बात करना होता है इन होल ऑल्सो दैन ऑल्सो वी कैन यूज़ द इन फ्रंट ऑफ दोज थिंग्स लाइक द मैन द वुमेन ऐसे करके द महल इज सिचुएटेड एट द आगरा नो एरर सो द एरर इज इन द पार्ट डी बिकॉज कॉमन नाउन्स के आगे हम कभी भी आर्टिकल कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे फॉर बींग स्पेसिफिक बट अगर मैं बात करूँ कॉमन नाउन में नाम भी आ जाते हैं लोगों के नेम्स भी आते हैं बट अगर मैं बोलूँ ही इज द सचन ऑफ आर क्लास सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्वालिटी विच सचिन पोजेसिस कि वो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे तो हम तब द लगा सकते हैं इफ़ वी आर यूजिंग इट एज अज कॉमन नाउन किसी के नाम को अगर हम एज अ कॉमन नाउन उनकी विशेषता बताने के लिए कॉमन नाउन के तरीके से यूज करेंगे देन वी कैन यूज इट सो द नेक्स्ट इज बाइबल सेट दैट द सन गोज राउंड द अर्थ सो यहाँ पे एरर है इधर इन द पार्ट ए बिकॉज वी यूज द इन फ्रंट ऑफ वेल रिनाउंड बुक्स रिवर्स एंड जो चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं प्लान्स हैं कुछ मंदिर हैं उनके सामने भी हम द यूज करेंगे लाइक like यहाँ पे द सन लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है प्लानिट्स अपने आप में यूनिक हैं दैट्स वाई वी विल यूज द इन फ्रंट ऑफ एवरी प्लानट एज वेल द अर्थ सो द नेक्स्ट इज एंड हॉर्स

कोई बात नहीं यूनिवर्सिटी सो यहाँ पे दिस इज़ स्टार्टिंग विद यू बट वी वॉन्ट यूज़ द वर्ड एन द आर्टिकल एन इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी बिकॉज सबसे पहली बात तो हम द भी यूज़ कर सकते हैं अ भी यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में अगर हम न, हम द तब यूज़ करेंगे इफ़ वी आर कंटिन्यू कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इफ़ फिर फिर हम टॉकिंग अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी तो बात बात करते हैं द यूनिवर्सिटी मैं ऐसे बोल सकती हूँ लेकिन अ यूनिवर्सिटीज के सामने हम यूज करेंगे ओके बिकॉज द साउंड इट इज इंडिकेटिंग इट इज नॉट ऑफ अ वॉवल हेयर इज अ रेड शर्ट विच सपना गेव मी यस्टरडे सो यहाँ पे एरर है इन द पार्ट ए यहाँ पे अ नहीं आएगा द आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे फिर से स्पेसिफिकनेस दिखा दी किसकी रेड शर्ट की जो कि क्या है एक स्पेसिफिक वन ऑफ द काउंट शर्ट है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ऑलरेडी सो यहाँ पे अ की जगह आना चाहिए था द सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शताब्दी एक्सप्रेस रन वेरी फास्ट नो एरर। सो वंस अगेन यहाँ पे हमने बात करी है एक सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेन की जो कि शताब्दी है सो so, इसके आगे भी द आना चाहिए था So, that's why the correct statement will be the uh, Shtabdi Express runs very fast. So, this brings us to the end of our slide. I hope you guys liked it. So, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.